पॉल जैक्सन पोलॉक अमेरिका के एक ऐसे पेंटर थे जिन्होंने अपनी कला में एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था ड्रिप टेक्निक। पॉल अपनी आर्ट में इस्तेमाल करने वाले पेंट को चारों तरफ से बिखेर देते थे ताकि वो इजीली उसे देख पाए और पेंट कर पाए। इसलिए उनकी पेंटिंग को ऑल ओवर पेंटिंग या फिर एक्शन पेंटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने कैनवास को पूरी तरह से घेर लेते थे, कवर कर लेते थे और अपनी पूरी बॉडी फोर्स का इस्तेमाल करते थे कैनवास को पेंट करने के लिए, कभी कभी तो डांसिंग स्टाइल में। पॉल को प्रेरणा मिली थी अलग अलग नॉर्थ अमेरिकन आर्टवर्क्स। पॉल ये कभी नहीं चाहते थे कि उनकी पेंटिंग्स को सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से ढूंढा जाए, इसलिए अपनी सारी पेंटिंग्स की नंबरिंग भी करते थे। उन्होंने अपने अलग अलग आर्ट थीम्स में सरियलिज्म को एक्सप्लोर किया जो उनके अधिकतर कामों में दिखाई देता है। पॉल की जिंदगी को कामयाबी की राह पे लाने में उनकी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ था, जिसने उनको अपने करियर में बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट से मिलवाया। उनकी नंबर 5 पेंटिंग वर्ल्ड की सबसे महंगी पेंटिंग थी 1948 में, जो कि 140 मिलियन डॉलर्स में बिकी थी। 1956 में जब वो 44 ईयर्स के थे, एक दिन उनके घर के बाहर शराब पिए हुए गाड़ी चलाते वक्त वो अपना कंट्रोल खो बैठे और कार एक्सीडेंट की वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी लाइफ पे बेस्ड एक बायोग्राफिकल फिल्म पोलॉक 2000 में रिलीज हुई थी, जिसे एड हैरिस ने डायरेक्ट भी किया है और पोलॉक का रोल प्ले भी किया है। पॉल जैक्सन पोलॉक की टॉप 5 पेंटिंग्स हैं द शी वुल्फ, द डीप, लेवेंडर मिस्ट, नंबर 5 एंड कन्वर्जेंस। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट देखना है तो ज़रूर फॉलो करें।